अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ शहजाद नायक। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछले कई दिनों से लगातार स्टेट लैंड या गाचराई लैंड को लेकर जम्मू कश्मीर में बवाल मचा हुआ है और जो भी स्टेट लैंड है या गाचराई लैंड है उसे जो है वापस लिया जा रहा है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो मैं आपको डिस्ट्रिक्ट रामबन से बता रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट रामबन में अभी तक लगभग 3330 कनाल जो स्टेट लैंड है वो जो है वापस ली जा चुकी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जानकारी देते हुए बताया कि डिस्ट्रिक्ट रामबन में पिछले कई दिनों से लगातार कार्रवाई जारी है और लगातार जिस भी जहां पर भी स्टेट लैंड पर कब्जा किया गया है उसे जो है लगातार वापस लिया जा रहा है। अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट रामबन की स्टेट लैंड की तो 2163 कनाल स्टेट लैंड जो है अभी तक तहसील राजगढ़ से वापस ली गई है, 824 कनाल स्टेट लैंड जो है रामबन डिस्ट्रिक्ट से जो है वापस की गई है, 113 कनाल रामसू, 26 कनाल पोगल परिस्थान उकड़हाल और 13 कनाल जमीन जो है बटोत जो है वो वापस ली गई है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 3330 कनाल जो ज़मीन है वो डिस्ट्रिक्ट रामबन में अभी तक वापस की गई, जिसको इतनी बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लगातार पिछले कई दिनों से स्टेट लैंड को लेकर जम्मू कश्मीर के एलजी इंतजामिया जो है बहुत ही ज़्यादा संजीदा नज़र आ रही है और वहीं जो है आज डिस्ट्रिक्ट रामबन की अगर मैं बात करूँ वहाँ पर जो है 3330 कनाल जो ज़मीन है वो लगभग जम्मू डिस्ट्रिक्ट रामबन से जो है लोगों से वापस ली गई है और डिस्ट्रिक्ट रामबन मसद इस्लाम ने बताया है कि लैंड एनक्रोचर्स के खिलाफ ऐसी ही जो है कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, जितने भी लैंड एनक्रोचर्स हैं उन्हें जो है बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हम आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट रामबन में रामसू, बटोत, बनिहाल, उकड़हाल, राजगढ़ इन इलाकों से जो है भारी तादाद में जो है लोगों से ज़मीन वापस ली गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले वक्त में डिस्ट्रिक्ट रामबन में किन इलाकों में जो है और इस तरह की कार्रवाई होती है और लोगों से जो है ज़मीन वापस ली जाती है। तब तक के लिए आप बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।